नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र सिंह और आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी फिल्म ये घात का फर्स्ट लुक जारी हुआ है और हमारे निर्माता दिनेश केसवानी जी का आज जन्मदिन था, तो सबसे उनका भी जन्मदिन का मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि माता रानी उनको शुभकामना दे माता रानी, और वो बहुत आगे निकले और ऐसे ही फिल्म बनाते रहें। इस किरदार की बात आप जो कर रहे हैं, इस फिल्म में मैंने बहुत ही अच्छा एक किरदार निभाया हूँ। एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिलती है और वो मैकेनिक का काम करता है और एक इंसानियत का साथ देता है। वैसे ही पॉलिटिशियन लोग उसको फंसा देते हैं, उसके साथ घात करते हैं, यही हमारी फिल्म का अहम किरदार है। मुझे तो बहुत ही लड़ाई लड़नी पड़ती है कि मैं अच्छा एक इंसान हूँ, अच्छाई चाहता हूँ, अच्छा सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे फंसा दिया जाता है और मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। मैं कैसे कैसे उन लोग से बदला लेता हूँ, यही हमारी फिल्म का अहम किरदार है। और साथ इस फिल्म में साथ साथ बहुत ही अच्छा मनोरंजन है, बहुत अच्छा गाने हैं, बहुत अच्छा फाइट है, बहुत अच्छा ही इमोशन है इस पिक्चर में। तो पूरा फिल्म जो है हमारा जो भी है पारिवारिक फिल्म है और आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। देखिए, इसके लिए जो प्रोड्यूसर हमारे हैं दिनेश केसवानी जी हैं, विजय कुमार जी हैं, ये हमारे बहुत ही अच्छे गार्जियन भी हैं और अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने बहुत ही प्यारी, अच्छी और दिल खोल के फिल्म को बनाया है। हमारे निर्देशक आनंद घटराज जी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और हमारे जितने भी हैं निर्माता, जैसे दत्तात्रेय जी हुए, हमारे राजेश पांडे भैया हुए, सारे ओवरऑल मतलब स्पॉट बॉय से लेके हमारी पूरी टीम, टेक्नीशियन टीम काफ़ी मेहनत की हुई है, दिल जान से मेहनत की हुई है। हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है, हम बहुत ही जल्द पूरे सिनेमाघरों में अपनी फिल्म को लेके आ रहे हैं। आप लोग पूरे परिवार के साथ देखिए हमारी फिल्म को। ये हमारी फिल्म एक ऐसी फिल्म बनी है कि एक फिल्म भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा एक हम लोग ऐसा चीज़ लेके आ रहे हैं कि कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है कि ये फिल्म आप लोग जो भोजपुरी वाले लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग बोल के जाते हैं, उसके लिए हमारी फिल्म बनी है घात, और इसको पूरा परिवार के साथ आप लोग देखें। नमस्कार, मैं दिनेश केसवानी, इस फिल्म का प्रोड्यूसर, इस फिल्म का एक आर्टिस्ट भी हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी पहली फिल्म नहीं, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो जब कोई चीज़ अगर ड्रीम प्रोजेक्ट होती है तो उस पर इंसान अपना सब कुछ झोंक देता है, और वही मैंने किया है। और मैं ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एक रिलीजन मूवी के हिसाब से इसे मत देखिएगा, इसे एक नॉर्मल पिक्चर जो आती है, एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट जो आता है, उस तरीके से देखिएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ मेरे पूरे घाट टीम का कि जो मेरे साथ मेरे जन्मदिन पे मेरे साथ थे और इतना अच्छा जन्मदिन मेरा मनाया गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। जो मेरे आर्टिस्ट थे, सत्येंद्र सिंह, रजनी मेहता, पूनम दुबे, प्रकाश जैश, अक्षय केसवानी, विनोद मिश्रा, दे आर टू ऑसम। उन्होंने जो चीज़ काम कर दिखाई है मुझे कैसा होता है कि मैं अकेला नहीं कर सकता सब कुछ, लेकिन जो उन्होंने मुझे साथ दिया, जो मैं चाहता था वो एक चीज लाके दिखा दी है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। ऑफ कोर्स मेरी अगली पिक्चर आ रही है प्रहार, जिसमें मैं लीड रोल हूँ। ना सत्येंद्र भी है मेरे साथ में, मेरे बाकी आर्टिस्ट भी साथ में है उसमें, रजनी मेहता है साथ में मेरे एज अ लीड एक्टर, और मेरे आनंद जी जो अगेन मैं जिसे जीनियस बोलता हूँ, वो मेरे साथ है, वो मेरे इस पिक्चर को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी पहली भोजपुरी फिल्म जो मैंने किया था उदित जी का और दीपा नारायण जी का, उस फिल्म का नाम था कब होई गौना मार, और ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। और मेरा नाम आनंदी घटराज है। जन्मदिन था तो सबसे उनका भी जन्मदिन का मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि माता रानी उनको शुभकामना दे माता रानी, और वो बहुत आगे निकले और ऐसे ही फिल्म बनाते रहें। इस किरदार की बात आप जो कर रहे हैं, इस फिल्म में मैंने बहुत ही अच्छा एक किरदार निभाया हूँ। एक बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है लेकिन बेरोजगार है, उसको नौकरी नहीं मिलती है, और वो मैकेनिक का काम करता है और एक इंसानियत का साथ देता है। वैसे ही पॉलिटिशियन लोग उसको फंसा देते हैं, उसके साथ घात करते हैं,
यही हमारी फिल्म का अहम किरदार है। मुझे तो बहुत ही लड़ाई लड़नी पड़ती है कि मैं अच्छा एक इंसान हूँ, अच्छाई चाहता हूँ, अच्छा सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे फंसा दिया जाता है और मैं मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। मैं कैसे कैसे उन लोग से बदला लेता हूँ, यही हमारी फिल्म का अहम किरदार है। और साथ इस फिल्म में साथ साथ बहुत ही अच्छा मनोरंजन है, बहुत अच्छा गाने हैं, बहुत अच्छा फाइट है, बहुत अच्छा ही इमोशन है इस पिक्चर में। तो पूरा फिल्म जो है हमारा जो भी है पारिवारिक फिल्म है और आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। देखिए इसके लिए जो प्रोड्यूसर हमारे हैं दिनेश केसवानी जी हैं, विजय कुमार जी हैं, ये हमारे बहुत ही अच्छे गार्जियन भी हैं और अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं। इन्होंने बहुत ही प्यारी, अच्छी और दिल खोल के फिल्म को बनाया है। हमारे निर्देशक आनंद घटराज जी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और हमारे जितने भी हैं निर्माता जैसे दत्तात्रेय जी हुए, हमारे राजेश पांडे भैया हुए, सारे ओवरऑल मतलब स्पॉट बॉय से लेके हमारी पूरी टीम, टेक्नीशियन टीम काफ़ी मेहनत की हुई है, दिल जान से मेहनत की हुई है। हमारी फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। हम बहुत ही जल्द पूरे सिनेमाघरों में अपनी फिल्म को लेके आ रहे हैं। आप लोग पूरे परिवार के साथ देखिए हमारी फिल्म को। ये हमारी फिल्म एक ऐसी फिल्म बनी है कि एक फिल्म भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा एक हम लोग ऐसा चीज़ लेके आ रहे हैं कि कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है कि ये फिल्म आप लोग जो भोजपुरी वाले लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग बोल के जाते हैं, उसके लिए हमारी फिल्म बनी है घाट, और इसको पूरा परिवार के साथ आप लोग देखें। नमस्कार, मैं दिनेश केसवानी इस फिल्म का प्रोड्यूसर, इस फिल्म का एक आर्टिस्ट भी हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरी पहली फिल्म नहीं, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो जब कोई चीज़ अगर ड्रीम प्रोजेक्ट होती है तो उस पर इंसान अपना सब कुछ झोंक देता है, और वही मैंने किया है। और मैं ज़रूर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये एक रिलीजन मूवी के हिसाब से इसे मत देखिएगा। इसे एक नॉर्मल पिक्चर जो आती है, एक नॉर्मल एंटरटेनमेंट जो आता है, उस तरीके से देखिएगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ मेरे पूरे घाट टीम का कि जो मेरे साथ मेरे जन्मदिन पे मेरे साथ थे और इतना अच्छा जन्मदिन मेरा मनाया गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। जो मेरे आर्टिस्ट थे सत्येंद्र सिंह, रजनी मेहता, पूनम दुबे, प्रकाश जैश, अक्षय केसवानी, विनोद मिश्रा, दे आर टू ऑसम। उन्होंने जो चीज़ काम कर दिखाई है मुझे कैसा होता है कि मैं अकेला नहीं कर सकता सब कुछ, लेकिन जो उन्होंने मुझे साथ दिया, जो मैं चाहता था वो एक चीज़ लाके दिखा दी है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। ऑफकोर्स मेरी अगली पिक्चर आ रही है प्रहार, जिसमें मैं लीड रोल हूँ ना। सत्येंद्र भी है मेरे साथ में, मेरे बाकी आर्टिस्ट भी साथ में है उसमें, रजनी मेहता है साथ में मेरे एज अ लीड एक्टर, और मेरे आनंद जी जो अगेन मैं जिसे जीनियस बोलता हूँ वो मेरे साथ है, वो मेरे इस पिक्चर को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी पहली भोजपुरी फिल्म जो मैंने किया था उदित जी का और दीपा नारायण जी का, उस फिल्म का नाम था कब होई कौन हमार, और ये एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसको नेशनल अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। और मेरा नाम आनंदी गटराज है, और घात को ज़रूर देखिएगा। घात में मैंने अपना इमोशन लगाया है, अपना इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा घात को, इसमें मैंने अपना जान प्राण सब कुछ लगाया हुआ है। और आप लोगों से उम्मीद है इस फिल्म को आप देखें परिवार के साथ, मेरा दावा है आप लोग अपने परिवार को लेके आइए और इस फिल्म को देखिए, और उसके बाद जो गाली देना हो, प्यार देना हो, मोहब्बत देना हो, आप लोग दीजिएगा। प्लैनेट भोजपुरी।